हम उन लोगों में से तो नहीं है जो राजनीति का खेल खराब करके भाग गए। तो देवेंद्र बबली जी फिर से जेजेपी की टिकट पे आ जाए मैदान में, लोग मजा चका देंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस हरियाणा प्रदेश में अगर कोई रहे तो कोई शक की बात नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। और विकास उनके कॉलेज का, उनके स्कूल का, उनकी जेब का हुआ देवेंद्र बबली जी के टाइम पे। तो मुझे लगता है उन्होंने तो बेचारों ने आधा समय तो मंत्री पद की दौड़ में ही निकाल दिया, आधा समय जब मंत्री बने तो लूट में निकाल दिया। देखिए राजनीति में कोई मामा का लड़का नहीं होता, कोई भतीजा नहीं होता, कोई भाई नहीं होता। जेजेपी पार्टी मेरे लिए उतनी विरोधी दल है जितनी की बीजेपी और कांग्रेस। अगर दुष्यंत यहाँ आएगा और चुनाव लड़ेगा तो डले पड़ेंगे। बबली जी कहते हैं पानी तो अगर एक घंटे के अंदर पानी टुहाना का निकल जाता है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। ये तो परमात्मा का उनपे आशीर्वाद है कि बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही। पांच साल की बात है, पांच साल में आपको दस साल के काम कर करके दिखाऊंगा, अगर नहीं हुए तो आगे कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और हमारे प्रोग्राम नए नेता नए विचारों के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। और आज हमारे साथ हैं युवा नेता कुणाल करण जी, तो उनसे जानेंगे, युवा हैं, शिक्षित हैं और राजनीति में आने का इनका क्या उद्देश्य है, क्योंकि इतने शिक्षित होने के बावजूद कोई और भी फील्ड ये चूज कर सकते थे। टोहाना के अंदर INLD से युवा चेहरा आपके सामने आज लेके आए हैं। तो करण जी सबसे पहले रियल न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर चैनल का हम शुरुआत कर लेते हैं कि इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में आने का उद्देश्य आपका क्या है, क्योंकि आपका जो परिवार है पूरा पीछे की अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, शुरू से ही राजनीति में है, चाहे कहीं से भी आप ले लीजिए, आपका जो उद्देश्य है वो क्या है अलग से? देखिए शिक्षा अपनी जगह है जी, पढ़ाई कितनी भी कर लो उतनी कम है जी। मैं अभी भी तैयारी में हूँ, PhD में एडमिशन लिया हुआ है जी, और आगे की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात राजनीति की है तो मेरे फादर डॉक्टर साहब ने गवर्नमेंट जॉब करी, DG के पद पे रिटायर हुए हरियाणा सरकार में। बिल्कुल। और मेरे ग्रैंडफादर ब्रिगेडियर करण सिंह आर्मी में थे, आर्मी के सबसे उच्च पोस्ट ब्रिगेडियर की पोस्ट से रिटायर होके आए। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य केवल मात्र ये है कि एक तो परिवार की मदद जी, क्योंकि मेरी माता जी का परिवार चौधरी देवीलाल जी से, चौटाला साहब से और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से, सारा परिवार राजनीति में। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उस परिवार को मेरी भी जरूरत है और मुझे उनकी भी जरूरत है जी। हम उन लोगों में से तो नहीं है जो राजनीति का खेल खराब करके भाग गए। बिल्कुल। हम उन लोगों में से हैं जो बड़ों का मान सम्मान जानते हैं, उनकी इज्जत करना जानते हैं और उनके आदेश की पालना करना जानते हैं। तो राजनीति में आने का उद्देश्य एक तो जनसेवा जी, और एक परिवार के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का जी, जो प्रण लिया हुआ है वो है। देखिए कुणाल सर, लगातार जो इनेलो की पीछे सरकार भी रही है जी, और यहाँ से विधायक भी रहे हैं, अगर हम बात करें सरदार निशान सिंह की, तो उसमें जो विकास कार्य हुए हैं उनसे हटके आप अब 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां तक हमें पता चला है टिकट की दौड़ में है, तो आपके मन में क्या आया कि किन विकास कार्यों की कमी रही है टोहाना में? देखिए आज तकरीबन 20 साल हो गए INLD को सत्ता से बाहर जी, और जिन विधायक की आप बात कर रहे हैं उनको अगर मैं काउंट करूं तो 25 साल हो गए। बिल्कुल। उनके समय में टोहाना में क्या क्या विकास हुए? जो विकास हुए वो चौटाला साहब की कलम से, उनकी नजर से हुए जी। विधायक के रूप में जो भी उस समय पार्टी के विधायक थे उन्होंने हल्के के लोगों का कोई महत्वपूर्ण काम नहीं की जी। मेरी तो उस समय नहीं थी उम्र राजनीति की। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक दूरदृष्टि थी, देखते थे, विचार करते थे, समझते थे कि आज पार्टी ने जिनको नुमाइंदा बना करके हल्के के अंदर भेजा है वो लोगों की क्या सेवा करते हैं, क्या मदद करते हैं जी। तो मैं तो ये मानता हूं कि 20 नहीं 25 साल हो गए बिल्कुल टोहाना हल्के को, और बहुत सारी खामियां रही हैं, तो उन खामियों को बतौर युवा होने के नाते और पढ़ाई लिखाई का भी आपने जिक्र किया तो उसका भी जो भी फायदा
मैं टोहाना हल्के की जनता को दे सकता हूँ, उसके लिए मैं राजनीति। सर बीच में कांग्रेस भी आई है, दस साल बीजेपी भी जो अब सत्ता में है, उसको कैसे देखते हैं आप, जो ये 20 साल का जो राज है दूसरी पार्टियों का? कांग्रेस की अगर बात करें तो हमारे जो नेता टोहाना हल्के से रहे जी, मंत्री भी रहे, बिल्कुल रहे, सरदार परमवीर सिंह जी, स्वयं तो ईमानदार थे पर ऊपर भ्रष्ट सरकार के एक नुमाइंदे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चौधरी भजनलाल जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया जी। सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस हरियाणा प्रदेश में अगर कोई रहे तो कोई शक की बात नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। तो उनका भी कोई ज्यादा योगदान टोहाना हल्के के प्रति नहीं रहा। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई जी, और सुभाष बराला जी बतौर विधायक यहां से चुन करके आए जी। और मैं ये मानता हूं कि उन्होंने भी टोहाना हल्के के अंदर विकास तो किया, पर शायद विकास चंडीगढ़ की सड़कों पे हुआ जो एक बहुत बड़ा किस्सा बना, मुझे कहना नहीं चाहिए पर वो सच्चाई है, लोग हमारे बड़े जल्दी भूल जाते हैं। और विकास उनके कॉलेज का, उनके स्कूल का, उनकी जेब का हुआ। उसके बाद में जो विकास की बात करें देवेंद्र बबली जी के टाइम पे, तो मुझे लगता है उन्होंने तो बेचारों ने आधा समय तो मंत्री पद की दौड़ में ही निकाल दिया, आधा समय जब मंत्री बने तो लूट में निकाल दिया, और अब बचा हुआ समय इस चीज में निकाल रहे हैं कि आगे चुनाव किस मुंह से किस पार्टी से लड़े। तो उनका तो विधायक का जो 5 साल का टर्म है वो सबसे बेहतरीन रहा, हर प्रकार की राजनीति उन्होंने देखी। तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से, देखिए सर मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में, इस जो अभी बात की आपने देवेंद्र सिंह बबली की, इसमें आपके अगर मामा जी के लड़के की बात की जाए दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री रहे हैं सरकार में, गठबंधन की सरकार थी, उनका भी बहुत बड़ा सरकार के अंदर हाथ था। देखिए राजनीति में कोई मामा का लड़का नहीं होता, कोई भतीजा नहीं होता, कोई भाई नहीं होता, उनसे हमारा रिश्ता 2018 में टूट चुका है जी। और ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, जेजेपी पार्टी मेरे लिए उतनी विरोधी दल है जितनी की बीजेपी और कांग्रेस है जी। हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व से हम पार्टी में काम कर रहे हैं। और आज अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो उनको तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा कि घर से बाहर ना निकलें, डले मार देंगे लोग। हरियाणा में, हरियाणवी में बड़ी एक क्लियरिटी से ये बात कही जाती है, बिल्कुल। तो उनको तो और उनके परिवार के सभी सदस्यों को तो यही सुझाव है कि घर से बाहर ना निकलें, लोग डड़े मारें जी। मुझे अभी अवसर मिला पिछले हफ्ते उचाना किसी सुख दुख में जाने का जी, बिल्कुल। तो वहां लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जी अगर दुष्यंत यहाँ आएगा और चुनाव लड़ेगा तो डड़े पड़ेंगे। तो जो इस तरीके की बात उन लोगों की है, तो उनके विधायक तो थे ही नहीं जी, ये 10 के 10 में माँ बेटे को छोड़ करके, या एक आधे जिस पे बहुत ज्यादा एहसान था उसको छोड़ करके, बाकी उनके विधायक नहीं। अगर उनके विधायक थे तो देवेंद्र बबली जी फिर से जेजेपी की टिकट पे आ जाएं मैदान में, लोग मजा चका देंगे। आज कभी कांग्रेस की तरफ मुंह करके सोते हैं, कभी बीजेपी की तरफ मुंह करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि कहां जाना है। तो इस प्रकार की राजनीति दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में करी। 20 साल हम सत्ता से बाहर रहे, 20 साल में बच्चे का जन्म भी हो जाता है, बच्चा बड़ा नौकरी लायक भी हो जाता है जी। हरियाणवी में कहते हैं गबरू हो गया, गबरू हो गया, बिल्कुल। अब गबरू हो गया और उसको उसका पूरा कैरियर, उसके माँ बाप, उसकी पीढ़ियां जो चौधरी देवीलाल जी के साथ, चौटाला साहब के साथ लगी हुई थी, उनका एक तरीके से सारा सिस्टम खराब करने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया जी। मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से रखूंगा जी, आज विदेश की ओर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल, हमारे युवा साथी कैनेडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और जो एक नई एक चीज चली है डंकी मार, उसके तहत भी जा रहे हैं, बहुत सारे एजेंट भी बैठे हैं हमारे आसपास डकैत के रूप में, उनके घरों का जमीन तक बिकवा रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं, और सही मायने में पूछो तो बहुत सारे बच्चे तो पहुंच भी नहीं पाते, बिल्कुल। ये योगदान जो हरियाणा प्रदेश को दिया है इसका श्रेय केवल दुष्यंत चौटाला को जाता है। अगर 2019 के अंदर दुष्यंत चौटाला ये तमाशा ना करते तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक खुशहाल सरकार होती चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व की। और अगर चौटाला साहब मुख्यमंत्री हैं, अभय सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, या परिवार का कोई और भी बड़ा मुख्यमंत्री, तो हम सब मुख्यमंत्री हैं, हमारा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री था, ये पावर थी चौटाला साहब की सरकार की। अफसर जो आज मनोहर लाल खट्टर को या नायब सैनी को नहीं सुनते,
उन अफसरों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो चौटाला साहब के आगे कोई बात कहकर भी दिखाएं। एक बढ़िया सरकार चलाने का एग्जाम्पल पूरे देश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिया। तो हमारे लोह पुरुष आप सामने भी देख रहे हैं और हमारे पास चौधरी देवीलाल की जो प्रतिमा है वो रखी हुई है, लेकिन बार बार उन्हीं का नाम लिया जाता है कि दुष्यंत चौटाला इन्हीं के नाम लेकर चलते हैं, लेंगे स्वाभाविक है, स्वाभाविक है लेंगे। उनके पिताजी भी चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं, मेरी माता जी भी चौधरी देवीलाल जी की पोती है। चौधरी देवीलाल जी एक शख्सियत नहीं, एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में, बिल्कुल, और उस वृक्ष पे बहुत सारी टहनियां थी, बहुत सारे पत्ते थे। तो आज चौधरी देवीलाल जी का परिवार कोई एक जगह सीमित नहीं है, लेकिन बात है उनकी विचारधारा की जी, कि उनकी विचारधारा को कौन आगे लेकर के चला। देखो अगर आपको याद होगा तो जब चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी से त्याग दिया, बिल्कुल पड़ा है वो उस समय की बातें। और इसी प्रकार से जब किसान आंदोलन हुआ तो किसानों के का साथ देने के लिए केवल मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। देश के अंदर 6000 से भी ज्यादा विधायक और मेंबर पार्लियामेंट हैं, किसी ने एक गांव में मेंबरी का भी इस्तीफा नहीं दिया और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधायक का इस्तीफा दिया। दोबारा गए, चुनाव जीते भी थे और सारों के सामने जब सारे विपक्षी एक हो गए एलनाबाद से चुनाव जीत करके आए, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। तो हम तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, चौधरी देवीलाल जी का सच्चा, उनकी विचारधारा पे चलने वाला मानते हैं और उसी विचारधारा पे हम आगे चलने का प्रयास कर। तो काफी जो टोहाना की अगर हम बात कर लेते हैं कि जो भी सरकार रही है टोहाना का नुमाइंदा सरकार के अंदर रहा है, विकास आपने बताया कि विकास के अंदर टोहाना बहुत पीछे है, तो आपके अंदर दिमाग के अंदर क्या है कि अब अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा टोहाना के लिए? देखिए काम एक नहीं अनेक है। टोहाना की दुर्गति मैंने आपको बताया 20 नहीं 25 साल से चल रही है। चौटाला साहब की सरकार के दौरान तो बड़े काम किए उन्होंने, और उसको जो यहाँ का नुमाइंदा था वो संभालने वालों में से नहीं था, अपनी जेब भरने वालों में से था। और आज अगर मैं कहूँ कि 2024 में अक्टूबर में चुनाव होते हैं और उसके बाद नया नुमाइंदा कोई मेरे जैसा युवा साथी चुन करके अगर आए, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और टिकट दी, तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले हमारे हलके के कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए। बिल्कुल, आज दिन भर दिन चोरियां हो रही है, बिल्कुल डकैतियां हो रही है, कोई सेफ नहीं है। हमारा INLT का पार्टी ऑफिस है जी, सरदार परमवीर सिंह जी की कोठी के बिल्कुल सामने वाली सड़क पे, वहां भी चोरी हुई जी। तो मैं आपको, एक इतने बड़े दल की पार्टी ऑफिस में अगर चोरी हो सकती है, या मान लो मेरे घर में चोरी हो सकती है, बिल्कुल, तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है जी। मैं तो ये मानता हूँ, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिनको हम काम कहते हैं और वो काम के लिए मना कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता। अगर वो ये काम, छोटे छोटे काम हमारे कहे हुए नहीं कर सकते, तो मैं ये मानता हूँ आम जन का टोहाना हलके में कोई काम नहीं। बिल्कुल, कानून व्यवस्था ठप है, स्कूलों में मास्टरों की कमी है, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, सड़क की सीवर की व्यवस्था खराब है जी। कहने का मतलब है अगर चार अंगल बारिश हो जाए पूरा टोहाना शहर डूब जाता है जी। परमवीर सिंह जी के समय से मुझे याद है कितनी बार सड़क टूटी, बनी सीवर लाइन डली, सुभाष बराला जी ने फिर तुड़वाई फिर बनाई, देवेंद्र बबली जी ने फिर प्रयास किया तोड़ के बनाने का कि कैसे इसमें से खर्चा निकल सकता है। जहां मिट्टी की जरूरत नहीं वहां ये लोग मिट्टी डाल देते हैं, जहां रोड़ी की जरूरत नहीं वहां ये लोग रोड़ी डाल देते हैं। हर प्रकार का भ्रष्टाचार और लूट इन लोगों ने फैलाया। बबली जी कहते हैं पानी तो अगर एक घंटे के अंदर पानी टोहाना का निकल जाता है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। ये तो परमात्मा का उन पे आशीर्वाद है कि बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही, एक बार बारिश हो जाए, हम तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, नुकसान तो आम जन का है पर उनको असलियत दोबारा से नजर आ जाएगी जी। तो ये उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो शहरवासियों से जाकर के पूछें कि शहर के क्या हालात हैं। तो सर जनता से, टोहाना विधानसभा की जो जनता आपको देख रही है, तो क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए टोहाना विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी पुरानी पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी है। अगर मुझे मौका मिलता है बतौर युवा साथी, यूथ के तौर पे, तो एक तो मैं सबसे पहले यूथ से अपील करना चाहूंगा कि वो मेरा साथ देने का काम करें, और जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे से उम्र में बड़े हैं, माताएं हैं, बहनें, उनसे भी ये अपील करना चाहूंगा कि एक बदलाव का मौका इस युवा साथी को देने का काम करें। और आप, ये तो कोई, ये तो है नहीं कि एक बार जो इस गद्दी पे, इस कुर्सी पे बैठ जाएगा वो सदा के लिए बैठेगा, बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल की बात है, 5 साल में आपको 10 साल के काम कर करके दिखाऊंगा
अगर नहीं हुए तो आगे कभी राजनीति में नहीं होगा जी। तो सर एक बात और हम क्लियर कर लेते हैं, गठबंधन है बसपा के साथ आपका जी, तो टोहाना की जो टिकट है वो INLD की या बसपा की? देखिए ये मेरे निर्णय की बात नहीं है जी, ये पार्टी सुप्रीमो की बात है जी। पार्टी के जो सारे पदाधिकारी हैं जो इस चीज का फैसला लेते हैं उन लोगों की बात है जी। पर टिकट मांगना बसपा वालों का भी अधिकार है, बिल्कुल टिकट मांगना हमारा भी अधिकार जी, है जी। मैं तो 2014 से मांग रहा हूँ जी। अच्छा जी, तो मैंने भी पार्टी की टिकट की लाइन में अपना नाम दर्ज कराया है जी। बाकी पार्टी की इच्छा है तो हो सकता है शायद अब कमजोर भी हो। अगर अगर पार्टी मुझे टिकट देती है मैं पार्टी का आभारी हूँ, धन्यवाद। अगर पार्टी बसपा के उम्मीदवार को टिकट देती है जो 37 सीटें बसपा की होंगी हरियाणा प्रदेश में जी, तो हम पूरी मेहनत के साथ बसपा के उम्मीदवार को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना, ये हमारे साथ थे कुणाल करण जी, और इन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जो जवाब दिया है। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट? तो नए नेता और नए विचारों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।